हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे चैनल स्वाति ब्लॉग फरीदाबाद। ये अष्टमी वाले दिन का व्लॉग है आधा, तो मतलब जो शुरू शुरू में मैं आपको दिखा रही हूँ, और बाद में कुछ मिक्स है 2-3 दिन का ये वीडियो। ये वीडियो मैं अपने घर से ही बना रही हूँ। कुछ शोर हो रहा था तो मैं जाके देखती हूँ बाहर क्या हो रहा है। तो कुछ लोग मतलब यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और उनको पता लग गया था कि यहाँ पर मतलब कि सामान बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब कि नाम अपना फ़ोन नंबर लिखवा दो तो ये घर पे थोड़ा बहुत आपके सामान पहुँचा देते हैं, राशन पहुँचा रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस तरीके से। ये कोई ऑफिस है मेरे घर के सामने ही, तो यहाँ पर गरीबों की काफ़ी हेल्प की जा रही है। ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ लोग बोलते हैं जब ऐसा कुछ काम करो तो आप अपना कैमरा जो है घर पर ही छोड़ के जाओ। तो वो ठीक है, हर किसी इंसान की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हमें इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए। और जो भी भैया आपको दिख रहे हैं जिसने मास्क पहना हुआ है, तो इनके मकान में पहले मैं 2 साल रह के आई हूँ। ये सेक्टर 30 में रहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है जिस ग्रुप में मैं भी हूँ, तो उस ग्रुप में इन्होंने ये फोटोएँ शेयर की थी, तो मुझे लगा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो काफ़ी लोगों ने इन्हें बहुत अच्छा बताया, और कुछ लोगों ने बताया कि आप जब ये सब काम करते हो तो मोबाइल को अपने कैमरे को घर पर ही रख के जाया करो। और मुझे वो चीज़ देख के अच्छा नहीं लगा, और हम लोगों को सीखना चाहिए जिस तरीके से ये आगे बढ़कर दुनिया की हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहे हैं। ये नहीं कि सरकारी का सारा काम नहीं है, हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है। हमें भी इस तरीके से आगे बढ़कर इन चीज़ों में अगर कर सकते हैं तो हिस्सा लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे तो कुछ सामान लेके आए हैं। मतलब कि ये अष्टमी वाले दिन का वीडियो है जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये टमाटर, हरी मिर्ची ये सब लेके आए थे, तो मैंने धो के अच्छे से धूप में रख दिए। तो मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी। तो पहले मैंने गोभी को अच्छे से काट लिया है और उसको अच्छे से मैंने गर्म पानी से धो लिया है। उसको नमक डाल के गर्म पानी में अच्छे से धो लिया है। तो अभी मैं इसको हल्का हल्का बस इसको फ्राई करूँगी अभी। तो कुछ आज अलग तरीके से सब्जी बना रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बोल सकते हैं इसको, और सूखी सब्जी बनाऊँगी। देखना आप पूरी वीडियो। मैंने सारी गोभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है और बिल्कुल सेम आंच पे मैंने फ्राई किया है। और अभी आप देख सकते हो ये हैं कुछ सूखे मसाले, तो ये मैं सूखे मसाले सब्जी में यूज़ करूँगी। और अभी कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने ये सूखे मसाले हैं वो डाल दिए हैं, इसको अच्छे से भुनना है। और साथ में ही मैंने डाल दिया है ज़ीरा। और जब सूखे मसाले अच्छे से मैंने भून लिया, उसके बाद मैंने कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। तो ये 2 प्याज हैं लंबे लंबे, मैंने काट दिए हैं, और इसको अच्छे से अभी भूनना है और गोल्डन ब्राउन तक इसको मैं भूनूंगी अच्छे से तेल में सारे मसालों के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में। और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर साथ में प्रेस करना। सब्सक्राइब बटन के पास में ही एक बेल आइकन का बटन होता है, उसको ज़रूर प्रेस कर देना और ऑल पे कर लेना उसको, जो कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और बीच में ही मैंने ये टमाटर और कुछ मतलब कि लहसुन अदरक हरी मिर्च काट ली है, इसको मुझे मिक्सी में पीसना है। तो मिक्सी में अभी मैं पीस लूँगी, तो बस इसको मैं छोटे वाले जार में अभी पीस रही हूँ।
अभी कुछ कटोरियों में मैंने एक साथ कुछ सूखे मसाले ले लिए, जैसे कि धनिया पाउडर है, नमक है, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, ये कुछ मसाले लिए हैं सूखे वाले। तो जैसे ही मेरा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है, तो इसमें मैं जो मैंने अभी पेस्ट बनाया है वो डाल रही हूँ मैं अभी, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो तब तक भुनना है जब तक तेल मतलब मसाले से अलग ना हो जाए, तब तक इसको लगातार चला चला के बीच बीच में भूनते रहना है, नहीं तो मसाला थोड़ा सा डर रहता है नीचे चिपकने का। तो इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाल दिया है और बस, और सूखे साथ में ही मसाले डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करना है और मसालों को अच्छे से इसके साथ भुनना है। और आप चाहो तो प्याज जब हम लोग भून लेते हैं तो तब भी आप डाल सकते हो, उससे भी जो है कि कलर काफ़ी अच्छा आता है। मैंने बाद में डाले हैं, आप चाहो तो प्याज भुनने के बाद भी इसको डाल सकते हो सूखे मसालों को। अभी आप देख सकते हो जो सूखे मसाले हैं उनमें से तेल अलग हो गया है, और ये जो मैंने गोभी को फ्राई करके रखा है तो बस मैंने वही डाल दी है मसाले के अंदर, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है जो कि अच्छे से इसको कोटिंग इसके ऊपर आ जाए, जो गोभी है उसके ऊपर अच्छे से कोटिंग आ जाए मसाले की। और इसको लगातार चलाते रहना है जब तक कि अच्छे से मसाला गोभी में मिक्स ना हो जाए। वाकई में सब्जी बड़ी गजब की बनी थी, बहुत अच्छी लगती है। आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ खाइए, काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी टेस्टी सब्जी बनी है। और इस सब्जी में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, ढक के भाप में पकानी है और बीच बीच में चलाते रहना है। ये नहीं कि एक बार ढक के छोड़ दो तो फिर सब्जी आपको पता नहीं लगेगा, तो थोड़ी थोड़ी देर में इसको देखते रहना और चलाते रहना, ऊपर के नीचे नीचे ऊपर, इस तरीके से मिक्स करते रहना। तो बस मैं बीच बीच में ऐसे ढक्कन ढक रही हूँ और फिर बना रही हूँ। और जब भी आप एक बार इसको बनाओगे इस सब्ज़ी को इस तरीके से, आपका बार बार में मन करेगा बनाने का। और बिल्कुल खड़ी खड़ी सब्जी होती है ये, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि मतलब कि अगर कुकर में बनाते हैं तो थोड़ा सा वो ज़्यादा गल जाती है सीटी लगवाने से। तो बस मैं इसी तरीके से बीच बीच में ढक्कन जो है लगा कर सब्जी को पका रही हूँ। बीच बीच में चेक कर रही हूँ कि सब्जी नीचे जल ना जाए, और क्योंकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई है तो थोड़ा सा इसमें मुझे डर लगता है कि सब्जी जल ना जाए, नीचे लग ना जाए। और तेल भी मैंने बहुत कम ही डाला है, कि ये नहीं कि भी तेल बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्राई हुआ है सब्जी है तो अभी भी मैं तेल ज़्यादा कर देती हूँ, ज़्यादा ऑयली ऑयली सब्जी बन जाती फिर वो। और बस अभी मेरी सब्जी भी बन के है तैयार, और गैस को मैं कर दूँगी बंद। तो बस अभी मैं इसको किसी और दूसरे जो बर्तन है उसमें निकाल लेती हूँ, और अभी सब्जी मैंने किसी दूसरे बर्तन में निकाल ली है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी मतलब कि लग रही है सब्जी, जितनी सब्जी देखने में अच्छी है उतनी खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इस तरीके से एक बार आप ज़रूर बना के देखना, अगर बनाते हो तो जो तो भी मेरे साथ आप कमेंट में बताना कि आप लोग भी इस तरीके से बनाते हो सूखी सब्जी। और मैंने आलू इसमें बिल्कुल भी नहीं डाले हैं, क्योंकि हम दो ही हैं तो इतनी सब्जी हम दोनों के लिए काफ़ी है। और ये वाला वीडियो है वो है रामनवमी के दिन का, रात का, जो मैंने शूट कर लिया था। हमने रात को 9 दिए लगाए हैं। व्हाट्सएप पे ना काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि रात को आप 9 दिए जलाओ। वैसे तो हम रामनवमी को नहीं करते हैं सब, लेकिन व्हाट्सएप पे जब मैसेज आ रहे थे बार में बहुत सारे लोगों के, एक इस्कॉन का मेरा ग्रुप है, इस्कॉन का मंदिर का, तो उसमें भी था मैसेज आया था, तब मैंने सोचा हाँ नहीं करना चाहिए हमें, और मेरे आसपास भी काफ़ी लोगों ने कर रखा था तो मुझे लगा। और इसमें कुछ नुकसान भी नहीं है कि किसी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो अफवाहें होती हैं, लेकिन इस चीज़ में मुझे लगा कि किसी का नुकसान नहीं है। और वाकई में हमें ये करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक पॉजिटिव सा वातावरण नज़र आया। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने रामनवमी को ऐसे 9 दिए जलाए थे कि नहीं जलाए थे, आपके पास व्हाट्सएप में इस तरीके कोई मैसेज आया था कि नहीं।
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना।